अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं जो वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ, इस वीडियो का टॉपिक है लाइव रनिंग वॉलपेपर। मतलब डेस्कटॉप के कंप्यूटर पे आप अक्सर देखते हैं कि रनिंग वॉलपेपर होता है, जो अक्सर लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो वॉलपेपर हमारी स्क्रीन पे भी लग सके। मगर जब हम उसको डाउनलोड करने जाते हैं या हम किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं उसके लिए, तो होता क्या है कि या तो हमें सब्सक्रिप्शन चार्जेस पे करने पड़ते हैं या फिर उसके साथ हमें कोई एड्स वगैरह की पॉलिसी साथ लेनी पड़ती है। मतलब हम अगर वो लाइव वॉलपेपर चलाते हैं तो उसके साथ लॉट ऑफ एड्स जब हमने उसको ऑन करना होता है। और दूसरा डिसएडवांटेज उसका ये होता है कि वो ऑनलाइन चलते हैं, मतलब हमें इंटरनेट से उसको कनेक्ट रखना पड़ता है। इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो वो वॉलपेपर्स हट जाते हैं। तो आज मैं इसी सिलसिले में आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप बहुत ही अच्छे खूबसूरत और HD वॉलपेपर, जो रनिंग वॉलपेपर होते हैं स्पेशली गेमिंग से रिलेटेड, अक्सर गेमिंग PC जिन लोगों की होती है उनकी ख्वाहिश होती है कि उनका डेस्कटॉप जो हो एक गेमिंग किसी कैरेक्टर के साथ कोई चलने वाले लाइव वॉलपेपर हर वक्त नज़र आए। मगर वो ढूंढ ढूंढ के थक जाते हैं। YouTube पे भी जो आपको आइडियाज दिए जाते हैं उनमें यही होता है कि भाई वो जो वॉलपेपर होता है वो ऑनलाइन प्ले होता है, मतलब उसके लिए इंटरनेट कनेक्शन आपका हर टाइम ऑन होना चाहिए। और दूसरा, वो उसके साथ काफ़ी हेवी किस्म की ऐप आती हैं जिन ऐप के साथ लॉट ऑफ एड्स आपको देखने पड़ते हैं उल्टे सीधे। तो इस सिलसिले में मैं आपके लिए जो आज वीडियो लेके आया हूँ, इसमें मैं आपको बताऊँगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हज़ारों की तादाद में लाइव वॉलपेपर, वो भी बिल्कुल फ्री। और उसके लिए आपको कोई सब्सक्रिप्शन नहीं करनी पड़ेगी, ना आपको अपने ईमेल से लॉगिन होना पड़ेगा, कुछ नहीं करेगा। तो इसको जानने के लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो कंप्यूटर स्क्रीन पर जैसे आप देख रहे हैं, ये एक बड़ा ही अच्छा UHD किस्म का लाइव वॉलपेपर चल रहा है, साथ ट्रेनिंग हो रही है हल्की हल्की, और वो जो फर्श पे पड़ रही है उसका काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट आपको नज़र आ रहा है। अब आप भी चाहेंगे कि आपकी स्क्रीन पे भी ऐसे नज़र आए, तो मैं उसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे ब्राउज़र में, और ये एक वेबसाइट है जिसका नाम है mylivewallpaper.com, इसको हम खोल लेंगे। अच्छा, इसको खोलने के बाद डायरेक्ट हमारे सामने वॉलपेपर्स और इनके डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, जिस तरह हम यहाँ आते हैं। अच्छा, डाउनलोड करने से पहले हम प्ले करके देखना चाहते हैं कि ये वॉलपेपर चलेगा किस तरह से, वो आपको बताएगा। मगर इसको आपने अपनी स्क्रीन पे लगाना किस तरह है, ये किस तरह काम करेगा, वो मैं आपको बताता हूँ। वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा, कोई स्टेप मिस कर जाएंगे तो बाकी वीडियो देखना आपके लिए बेकार होगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आए, लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। मैंने अपना चैनल मोनिटाइज करना है और मुझे जो है सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। तो आइए हम देखते हैं, जब हम कोई भी वॉलपेपर खोल लेंगे ना, जैसे इसमें कैटेगरीज शो हो रही हैं, मुख्तलिफ है, एनिमेटेड है, गेम्स, फैंटेसी, नेचर, साईफाई, एब्स्ट्रैक्ट, हम कोई भी कैटेगरी खोलेंगे, हमें अगर कोई वॉलपेपर पसंद आता है तो हम यहाँ उस वॉलपेपर पे क्लिक करते हैं, तो उस वॉलपेपर को हम डायरेक्ट नहीं लगा पाएंगे। उसके लिए एक छोटी सी एप्लीकेशन है, मतलब उस तरह नहीं है। अब आप कहेंगे कि मैं भी आपको ऐप ही डाउनलोड करने का कह रहा हूँ, बिल्कुल फ्री है ये, बिल्कुल भी आपको तंग नहीं करेगी। आप इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे, क्लिक करने के बाद ये देखें आप एक छोटी सी एप्लीकेशन डाउनलोड हो रही है, ये तकरीबन 3 MB की है, ये डाउनलोड होगी। ये असल में मैं आपको साथ साथ बताता चलूं कि लाइव वॉलपेपर होता क्या है। ये एक UHD वीडियो बनी होती है, चाहे उसे एनिमेटेड बनाया जाए या जिस तरह बनाया जाए, वो बार बार चल रही होती है और हमें लगता है कि ये लाइव वॉलपेपर चल रहा है। तो उस वीडियो को बार बार वो चलाता जाता है और वो चल रही होती है, और PC पे ऐसे लग रहा होता है कि ये एक ही कोई सीन रुका हुआ है और जिसके ऊपर हमें लाइव नज़र आ रहा है। अब एप्लीकेशन डाउनलोड हो रही है, एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुकी है, इसको हम खोल लेंगे विड्रॉल के थ्रू। अच्छा, मेरे पास ये एप्लीकेशन ऑलरेडी डाउनलोड है, इसलिए मैं आपको आगे बताता चलूं। अच्छा, एप्लीकेशन ये डाउनलोड हो चुकी है, ये मेरे पास पहले से मौजूद है, आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा जिस तरह नॉर्मल कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं। फिर इसमें देखें, ये एक ब्राउज का ऑप्शन यूज़ हो रहा है। अच्छा, मैंने कुछ वॉलपेपर पहले से जो है डाउनलोड कर रखे हैं आपको बताने के लिए, ये जिस तरह से है ना, मैं एक एक करके आपको लगा के बताता हूँ, फिर ये डाउनलोड किस तरह करने हैं मैं वो भी आपको बताता हूँ। ये मैंने एक वॉलपेपर लाइव सेलेक्ट किया, ये एक तरह से देख रहे हैं आप वीडियो फाइल है, इसको ओपन किया,
ठीक है, कितना ही कितना प्यारा व्यू आ रहा है। इसी तरह इसमें मैंने जितने डाउनलोड जो जो मुझे पसंद थे, अब आप अपनी पसंद के मुताबिक कीजिएगा। देखें ये है, अब मैं बताता हूँ ये डाउनलोड किस तरह करना है। हम दोबारा इस वेबसाइट में आ जाएंगे। अब जैसे ये कैटेगरी है ना लाइव वॉलपेपर, इसमें हम कोई भी ले लेते हैं, मिसाल के तौर पे हम ले लेते हैं लव वाला, ठीक है। इसमें से हमें मिसाल के तौर पे ये पसंद आया, हमने इस पर क्लिक कर लिया। अच्छा, पहले हम इसका प्रीव्यू देखेंगे, मिसाल के तौर पे हमें ये पसंद आया, उसके बाद ये डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। अच्छा, ये याद रखना है ऐप सिर्फ एक बार डाउनलोड करनी है इस ऑप्शन से, उसके बाद वॉलपेपर में हर वॉलपेपर इस ऑप्शन से डाउनलोड होगा। इस पर हमने क्लिक कर लिया, ये फाइल तकरीबन थोड़ी 15 MB कोई 25 MB, वो उसके साइज के मुताबिक होती है, जितना साइज होगा उतनी बड़ी फाइल होगी और उसका उतना ही अच्छा व्यू आएगा। आप देख रहे हैं आप, ये डाउनलोड हो रही है। अब जिस तरह डाउनलोड होती है आपके डाउनलोड के ऑप्शन में चली जाती है, तो आपको मैं इसमें रिकमेंड ये करूँगा कि आप अपने कंप्यूटर की डी ड्राइव के अंदर, जिस तरह मैंने ये एक फोल्डर बनाया हुआ है माई लाइफ वॉलपेपर, अब डाउनलोड हो के सारे ये ऑटोमेटिकली माई डॉक्यूमेंट्स में जो डाउनलोड का ऑप्शन है वहाँ जा रहे हैं, मगर वहाँ से मैं इनको कट करके वापस ले आता हूँ। अच्छा जी, इसको अब हम देख लेते हैं, ये क्या कहा है शो इन फोल्डर करके, ये रहा, ठीक है। इसको भी मैं यहाँ से कट करूँगा और अपनी डी ड्राइव में माई लाइव वॉलपेपर के ऑप्शन में चला जाऊँगा। चले गए, अब मुझे ये स्क्रीन पे लगाना है, तो मैं दोबारा उसी ऐप में आऊँगा, ब्राउज के ऑप्शन में जाऊँगा, यहाँ से देखते हैं कहाँ है ये वाला है वो वॉलपेपर जो हमने अभी डाउनलोड किया। इसको सिलेक्ट करेंगे, ओपन कर लेंगे, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, और सिंपली आपने देखा एक क्लिक पे वॉलपेपर लग जाता है, एक क्लिक पे चेंज हो जाता है, और ये बहुत ही आसान है, बहुत ही काम करने वाला है। इस आप वेबसाइट पे देखें हजारों की तादाद में ये, अभी तक मैं भी इसको पूरा नहीं देख पाया, मुझे भी कल ही पता चला है, तो मैंने कहा व्यूअर्स तक जो अच्छी चीज़ है वो पहुंचानी चाहिए, क्योंकि आप फालतू वेबसाइट्स पे अपना टाइम ज़ाया करें, तो ये बहुत ही अच्छी फ्री विदाउट सब्सक्रिप्शन विदाउट एनी ईमेल एड आपको किए, ये डायरेक्टली आप इसको चला सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे अपना चैनल मोनेटाइज कराना है, मुझे 1000 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है और 4000 घंटे वॉच टाइम ज़रूरत है, तो आप इस सिलसिले में मेरे से ताउन करें, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब अगली वीडियो के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे, उसमें मेरा टॉपिक होगा कि ये लाइव वॉलपेपर अपना कैसे बनाना है, उस बारे में मैं आपको बताऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।